चैनल, मैं मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। आज हम बनाने वाले चावल। चावल हम बनाएंगे कुकर में। चावल कई तरह से बना सकते हैं आप। भगोने में भी चावल बना सकते हैं, कढ़ाई में भी, बॉयल करके भी बना सकते हैं। चावल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुकर में चावल कैसे बनते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं हमारे पास कि चावल कुकर में हमारे से गीले हो जाते हैं या कुछ कच्चे रह जाते हैं, चावल हमारा सही नहीं बनता है। आज हम इसलिए कुकर में चावल बनाना बताएंगे, चावल कैसे कुकर में बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी चावल है, ये देहरादूनी बासमती चावल है। ये देहरादून का है बासमती चावल, देहरादून का चावल तो मशहूर है, ये वही चावल हमने लिया है। सिर्फ एक कटोरी चावल है। चलिए बताते हैं कि चावल कुकर में कैसे बनाएंगे, और खिला खिला चावल, एकदम खिला खिला चावल बनेगा कुकर में। चलिए बताते हैं। ये कटोरी चावल है, चावल को पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी, अच्छे से साफ कर लेंगे, दो तीन बार पानी से धोएंगे। इनके चावलों में जो पीलापन है उसको हटाएंगे हम। चलिए साफ करके दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ चावल। एक कटोरी चावल ये हमने धो लिया अच्छे से, तीन चार पानी से धोया है इसका, साफ हो गया ये चावल अच्छे। अब हम एक कटोरी चावल कुकर में डाल देंगे। और इसी कटोरी से एक कटोरी बिल्कुल भर के पानी डालेंगे, जितना चावल था उतना ही भर के पानी डालेंगे बिल्कुल ऊपर तक। ये बिल्कुल बराबर से पानी पड़ेगा, बिल्कुल जैसे चावल, अगर एक कटोरी चावल है तो एक कटोरी पानी डलेगा, अगर दो कटोरी चावल है तो दो कटोरी पानी डलेगा, इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे दो तीन बूंदें देसी घी की, इस तरह से डालेंगे, एक देसी घी की दो तीन बूंदें डाल देंगे, इससे चावल हमारा खिला खिला बनेगा। ये तैयार हो गया, इसको ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट के लिए इन्हें भीगने देंगे चावल को, इनको रेस्ट करने देंगे। फिर इनके बाद कुकर में रखेंगे गैस के ऊपर, 10 मिनट के लिए रख देते हैं इन्हें। चलिए 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो गए, चलिए अब हम गैस चलाते हैं, कुकर को रखते हैं गैस पे, गैस जला देते हैं। एक सीटी आने की गैस बंद कर देंगे, हमें एक सीटी सिर्फ लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। अगर आप लोग चावल को ज़्यादा देर भूगो के रख सकते हैं तो ज़्यादा देर रख दें, जैसे आपके पास टाइम है, एक घंटे का टाइम है तो एक घंटे पहले भूगो दें, आधे घंटे का टाइम है तो आधे घंटे पहले चावल को भूगो दें तो और अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। मैंने इन्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए भूगोया है, आप इसे आधे घंटे के लिए भूगो सकते हैं, जितनी देर भी आप भूगोगे उतने अच्छा ही चावल बनेगा। चावल हमेशा भूगो के बनाएं तो बहुत ही अच्छा चावल बनता है। चलिए सीटी लगती है, फिर दिखाते हैं। बज गई, इसको गैस को हम कर देते हैं बंद, गैस को करेंगे हम बंद कर देते हैं। इसका प्रेशर निकलने तक हम इसको रखेंगे, फिर उसको खोलेंगे। फिर दिखाती हूँ चावल कैसे बने हैं, खिले खिले चावल। इस कुकर में हमारी दाल बन रही है या चावल बन रहे हैं। आज हमारे घर में दाल चावल बनेंगे, दाल चावल खाएंगे, अरहर की दाल बनाइए। किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी अरहर की दाल में तड़का मैं दाल फ्राई कैसे करती हूँ। चलिए आज चावल ही दिखाती हूँ, आज चावल ही बनाती हूँ। देख लेते हैं, प्रेशर इसका निकल गया, ये देख, ये निकल चुका है। खोल के देखते हैं चावल कैसे बना है हमारा। देखिए चावल एकदम खिला खिला बना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इस तरह से प्लेट में डाल के दिखाऊंगी।
देखिए एक एक दाना खिलाए, बिल्कुल एक एक दाना, ये देखें ये दाना, ये। इस तरह से इतना लंबा चावल बना दे, ये कितने लंबे लंबे चावल बने। एकदम खिला चावल बिल्कुल। अगर ये हमारा ये चावल अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करा करो, कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग अब जब सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, फिर और चीज़ें भी दिखाने का मन करता है कि आप लोग इतने प्यार से देखते हो हमारा चैनल को और वीडियो को, फिर बहुत मन करता है कि और चीज़ें दिखाई जाएं। अच्छा चलिए बताना अब अगली रेसिपी में क्या दिखाएं, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। ये देखिए इस तरह से आप लोग भी चावल बनाइए कुकर में, कभी आपका चावल खूब बढ़िया चावल बनेगा। देख कितना बढ़िया चावल बनाए, एक एक चावल अलग है। ये मैंने अभी 10 मिनट भुगोया इसको, अगर आप ये आधा घंटा भुगोगे, 1.25 घंटा भुगोगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा चावल आपका, एकदम खिला खिला। और कुकर को मैंने एकदम खोल दिया, मतलब आप लोग 5 मिनट ठंडा होने के बाद बिल्कुल तब कुकर खोलें तो चावल और भी अच्छा बनता है। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।